गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा, जो हमने लास्ट वर्कशीट भेजी थी सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द पावर शेयरिंग, आज हम उसका सॉल्यूशन करा देते हैं। तो सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। सो बेटा, हम यहाँ पर सिविक्स का फर्स्ट लेसन, दैट इज द पावर शेयरिंग, उसके हमने लास्ट डे के अंदर कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन सेंड किए थे, ओके, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स के 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग थे। तो आज हम उसको रिवाइज करा देते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी टाइम्स लीडर्स ऑफ बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। बेल्जियम के लीडर्स ने अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को हाउ मेनी टाइम्स चेंज किया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्यों चेंज किया था। जब लेसन रीड किया था तो हमने आपको बताया था कि बेल्जियम के अंदर भी एक वर्स सिचुएशन थी, जिसमें वहां के पीपल्स ने गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग एक्सेप्ट किया था, क्योंकि वहां पर मेनली टू कम्युनिटी रूलिंग में थी, या फिर हम कहेंगे टू कम्युनिटीज का कंपोजिशन सबसे ज्यादा था, जिसमें हाइएस्ट पोजिशन पर डच थे और उससे कम फ्रेंच थे। लेकिन फ्रेंच पावरफुल थे, उनके पास, कहने का मतलब है, ऑल रिसोर्सेज उनके कंट्रोल में थे, जबकि डच मेजोरिटी के व्याप पर ज्यादा थे। फाइनली यहां पर बोथ कम्युनिटी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया, कई बार उसमें बदलाव किए गए और फाइनली इक्वली पावर शेयरिंग, या फिर हम कहेंगे इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था, चाहे फिर वो बेल्जियम होल कंट्री हो, पूरा देश हो, या फिर उसकी कैपिटल, दैट इज ब्रुसेल्स। तो बेटा, ये जो अमेंडमेंट किए गए 1970 से और 1993 तक, हाउ मेनी टाइम्स? फोर टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? फोर टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव किया गया था, ओके? अगला जो क्वेश्चन है बेटा, विच वॉज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। जैसे हमने बेल्जियम का रीड किया था, उसी तरह से श्रीलंका का भी था, और श्रीलंका की सिचुएशन तो और भी ज्यादा वर्स थी। कारण था क्योंकि श्रीलंका जो है वो मेजोरिटिज्म के अंदर बिलीव करता था, और वहां की जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी, दैट इज द सिन्हाला, ओके? और सिन्हाला ने 1956 के अंदर कई सारे बदलाव किए, उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल रिलीजन, गवर्नमेंट जॉब में स्पेशल रिजर्वेशन, ये सब प्रोक्योर्ड कर दिए, ओके? तो सिंपल सी बात है, अगर हम लैंग्वेज की बात करें श्रीलंका के अंदर, तो लैंग्वेज कौन सी थी? सिन्हाला लैंग्वेज। कौन सी है? सिन्हाला लैंग्वेज, जिसको तमिल्स ने एक्सेप्ट नहीं किया था। यही कारण था कि वहां पर सिविल वॉर भी ब्रोक आउट हुआ, ओके? कब हुआ था सिविल वॉर? 1960 के टाइम में। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। अभी बताया कि बेल्जियम के अंदर रिच और पावरफुल जो कम्युनिटी थी, दैट इज द फ्रेंच। कौन सी कम्युनिटी है? फ्रेंच कम्युनिटी पावरफुल थी, डच थे, लेकिन डच वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी थी। प्रॉस्पर्टी जो थी, सारे रिसोर्सेज जो कंट्रोलिंग में थे, वो किसके पास में थे? फ्रेंच कम्युनिटी के पास में थे, ओके बेटा? अगला जो क्वेश्चन है, इट इज द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो हमने 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है कि हम लॉ मेकिंग बॉडी किसको कहते हैं कंट्री के अंदर, तो वो कौन सा होता है बेटा? That is the legislature। क्या होता है? लेजिस्लेचर। और हमारे लेजिस्लेचर के अंदर दो हिस्से होते हैं, जिसको हम संसद भी कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। तो लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉ मेकिंग बॉडी होता है, ओके? ऑर्गन्स में जुडिशरी भी आता है, एग्जीक्यूटिव भी आता है, ओके? लेकिन मेनली यहां पर जो लॉ मेकिंग करता है, दैट इज द लेजिस्लेचर, ओके? अगला जो क्वेश्चन है बेटा, Which community has increased the feeling of alienation in Sri Lanka?
एलिनेशन जो श्रीलंका के अंदर किसने फील किया था? सिंपल सी बात है, जिसका हम सुप्रेस्ड करेंगे वही कम्युनिटी यहाँ पर एलिनेशन फील करेगा। और मेजोरिटी कम्युनिटी किसकी थी श्रीलंका के अंदर? सिनालाज की। माइनॉरिटीज में तमिल्स थे, तो यहाँ पर एलिनेशन कौन फील करेगा? तमिल्स करेंगे, इंडियन तमिल्स। ओके, जो तमिल लैंग्वेज का स्पोकन करते। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है बेटा, द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटिज्म लीड टू अ सिविल वॉर इन। सिविल वॉर कहां पे ब्रोक आउट हुआ? जिसका सिद्धांत था मेजोरिटिज्म। और मेजोरिटिज्म हमने बताया भी किस कंट्री में फॉलो किया गया? श्रीलंका के अंदर। तो यहां पर आंसर भी क्या आएगा? श्रीलंका आएगा। क्या आएगा? श्रीलंका के अंदर मेजोरिटिज्म की वजह से 1956 में, कब? 1956 के अंदर सिविल वॉर ब्रोक आउट हुआ था। अगला क्वेश्चन है बेटा, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन कौन होते हैं? हमने पंचायती राज सिस्टम पढ़ा हुआ है, जो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला मंडल, दैट मीन्स जिला परिषद जिसको हम कहते हैं, ओके। और ये तो आता है विलेज लेवल पर। सिटी लेवल पर अर्बन एरियाज के अंदर जिला नगर पालिका है, नगर परिषद है और नगर निगम है, जिनको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे होता है? लार्ज सिटीज में होता है, मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े सिटीज में होता है, जहां की पॉपुलेशन 5 लाख 20 लाख के बिटवीन होती है, यानी कि 5 लाख से अबव हो जाती है। वहां पर हम कंपोजिशन करते हैं किसका? नगर निगम का। ओके बेटा, तो यहां पर कौन सा आता है? दैट इज द मेयर। कौन आता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन होते हैं मेयर, जो कि ऑल पॉलिटिकल डिसीजंस की मेकिंग करता है। ओके, नेक्स्ट आता है, इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंका आर द श्रीलंकन तमिल्स कॉन्सेंट्रेटेड। श्रीलंकन तमिल्स को कहां पर कॉन्सेंट्रेट किया गया था श्रीलंका के अंदर? तो वो हिस्सा कौन सा था बेटा? नॉर्थ ईस्ट पार्ट था। कौन सा था? श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर श्रीलंकन तमिल्स को कॉन्सेंट्रेट किया गया था। अगला आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इन द ईयर डैश एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिनाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल्स। एक एक्ट पास किया गया जिसके ब्याह पर सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और बाकी की जो लैंग्वेज है, तमिल्स हो, इंग्लिश हो, उन सबको डिसरिगार्डिंग किया गया था। तो ये एक्ट कब पास हुआ? अभी बताया था, दैट इज 1956 के अंदर एक्ट पास हुआ। ओके, उस एक्ट के ब्याह पर कई सारे बदलाव हुए, नेशनल रीजन भी बना, लैंग्वेज भी बना, जॉब्स को सिक्योर कर दिया गया, तो लैंग्वेज सिनाला आ गई, जॉब सिक्योर सिनालाज को किया गया और रिलीजन भी अनाउंस किया गया। और रिलीजन कौन सा था? बुद्धिज्म। जो अगला क्वेश्चन है, विच इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन कौन सा बेटा? बुद्धिज्म है। और ये सब कब बना है? 1956 के एक्ट के ब्याह पर। ओके, तो आई थिंक कि आपको जितनी भी मिस्टेक्स थी अब आप इम्प्रूव कर लेंगे। किसी तरह की कोई गलती हो, किसी तरह का कोई अभी भी डाउट हो, तो आप आस्क कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अपना पूरी तरह से ख्याल रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे, सेफ रखे और घर पे बने। ओके बेटा, गुड बाय।